हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। अभी भी मार्केट ओपन है, 3 मिनट रह गए हैं। और गाइस, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि निफ्टी ने न्यू हाइज, यानी कि देख सकते हैं कि 1 से 1.5% तक बढ़ चुका है। ट्रिपल डिजिट पे हम कह सकते हैं कि उसने अपनी मूवमेंट दी है आज। और बैंक निफ्टी तो आउट परफॉर्म कर गया गाइस, 500 पॉइंट प्लस पे वो अभी भी ट्रेडिंग कर रहा है गाइस। बहुत बढ़िया तरीके से जो इस मार्केट के अंदर मोमेंटम आई है, इस रीजन ये था क्योंकि जो स्मॉल कैप जो एक जो स्टॉक्स थे वो बहुत ज्यादा ही ओवर सोल्ड पोजीशंस में चले गए थे, बहुत ज्यादा ही ओवर सोल्ड पोजीशन में चले गए थे। और जैसे ही हमने जंप देखने को मिली, हम मिड कैप इंडेक्स भी देख सकते हैं अपने न्यू हाइज में ट्रेड कर रहा है। यस गाइस, जो मिड कैप इंडेक्स है वो न्यू हाइज में अपना ट्रेड करना शुरू कर दिया है और बहुत से स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म करा है। सो गाइज, मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूँ किस तरीके से चलेगा। उससे पहले मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ गाइज, ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से। आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए एक हफ्ते पहले एक वीडियो अपलोड करी थी दो स्टॉक्स के से रिलेटेड, सेंचुरी टेक्सटाइल और REC। सो आपको मैं कुछ दिखाना चाहूंगा, आप देखिएगा जरूर। सेंचुरी टेक्सटाइल की ये मैं आपके लिए एक ये वीडियो है जो मैंने अपलोड करी थी, आप मेरे चैनल पर जाके जरूर देख सकते हैं। मैंने आपको जो सेंचुरी टेक्सटाइल पे बाय लेवल बोला था, जिस लेवल पे आपको बाय करना है वो था 780 का लेवल, जो मैंने चार्ट्स पे भी आपको दिखाया था जो उस दिन क्लोजिंग प्राइस था। और मैंने आपको जो टारगेट बताया था वो गाइज बताया था अराउंड कि गाइज ये ट्रेंड लाइन तक ये पहुंचना चाहिए, ये ट्रेंड लाइन तक मेरा टारगेट है। और गाइज आप देख सकते हैं गाइज कि 780 पे अगर आपने मेरे स्टॉक को बाय करके रखा हुआ होता तो अब 850 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 70 पॉइंट्स तक आप इस सेंचुरी टेक्सटाइल के अंदर अर्न कर चुके होते कुछ ही टाइम में, यानी कि आप मान के चल सकते हैं मैक्स टू मैक्स एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने 70 पॉइंट अर्न कर लिए होते इस पर्टिकुलर सेंचुरी टेक्सटाइल के अंदर, जो अगर आप इसका फ्यूचर भी बाय करके चलते तो आप बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते थे। दूसरा स्टॉक जो REC मैंने आपको बोला था बाय करने के लिए, सॉरी ये मैंने आपको शॉर्ट करने की सलाह दी थी 185 समथिंग के राउंड के लेवल्स, और वहां से मैंने आपको बताया था कि आप देख सकते हैं कि 61% रिट्रेसमेंट लेवल है, वहां से हमें शॉर्ट की पोजीशन को इनिशिएट करना है अराउंड 137.50 या के आसपास के लेवल पे। पर हम देखा उसके ऊपर ब्रेकआउट आ गया, तो जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उन लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपने दोनों स्टॉक्स को बाय कर रहा है तो दोनों पोजीशन से एग्जिट कर जाइए, सेंचुरी टेक्सटाइल से 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाइए, और REC में जो भी आपको जितना भी लॉस हुआ है उसको लेकर आप एग्जिट कर जाइए। पर गाइज ये जो स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ एक्सप्लेनिंग कर रहा हूँ, देखिए हमें कितना ज्यादा फायदा दे रही है गाइज, बहुत ज्यादा फायदा दे रही है। मैं आपके लिए कुछ वीडियोस और अपलोड करने वाला था पर मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया था अपने वर्क से रिलेटेड, मैं कुछ अपना स्टार्ट कर रहा था स्टार्टअप, सो गाइज उससे रिलेटेड मैं कुछ बहुत ज्यादा बिजी हो गया था कि मैं आपके लिए कुछ टाइम तक वीडियोज नहीं बना पाया था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल अभी अभी मार्केट क्लोज हुई है और अपने मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स को क्या दे रखा है। आप देख सकते हैं सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपको बहुत टाइम से रिकमेंड कर रहा हूँ, माय फेवरेट स्टॉक REC, रेपको होम। आपको रेपको होम भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये भी मैंने अपने क्लाइंट्स को अभी ही बाय करने की सलाह दी थी। आप देख सकते हैं गाइस, मैंने आपको बताया था रेपको होम, मैंने आपको बताया था कि मेजर्ड मूव पैटर्न में रेपको होम के बारे में कि ये अपने 161% रिट्रेसमेंट लेवल तक जरूर जाएगा गाइस, जरूर। और आप देख सकते हैं कि जब ये ऊपर जाके नीचे आया, इसने 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल को रिस्पेक्ट दी, दूसरी बार इसने 50% रिट्रेसमेंट लेवल को रिस्पेक्ट दी, एंड थर्ड टाइम जो ये रिस्पेक्ट देना चाहता था वो देगा 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल को, जो कि है इसका 500 अप्रोक्सीमेटली लेवल। और गाइस मैं आपको लोअर लेवल से ही सजेस्ट कर रहा था, मैंने आपको कहा था कि अगर ये 350 का ब्रेकआउट देता है तो आपको कंटिन्यूसली इसमें बाइंग पोजिशन बनानी है। और मैं आपको बार बार कहता था, अगर आपने मेरी प्रीवियस मेजर्ड मूव वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें भी जाके देख लीजिए, मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कुछ इस लेवल पे, मैंने आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया था, ये लेवल था कि गाइस बाय पोजीशन इनिशिएट करिए करिए करिए, आपको बहुत अच्छे टारगेट्स अचीव होंगे। इस पर भी मैंने अपने क्लाइंट्स को आज भी कॉल्स दी थी और उन लोगों ने बहुत अच्छा खासा फायदा कमाया। इसके साथ ही साथ मैंने आप लोगों को रेपको होम के साथ कैनफिन होम, ये दो स्टॉक्स हैं जो मेरे लिए बहुत, मैं इन पे ज्यादातर फोकस रखता हूँ और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इन पे जरूर ट्रेडिंग अपनी पोजीशंस बनाता हूँ और जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन लोगों को पोजीशन देता हूँ। तो कैनफिन होम और रेपको होम ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न आज के सेशन में कमा के दिया, और गाइस ये 100 पॉइंट तक की इसमें मूवमेंट हमें देखने को मिली, आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो
बहुत अच्छे तरीके से जो हमारी स्ट्रैटेजीज हैं वो वर्क कर रही है। अगर आप मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं गाइस। कुछ इसी तरीके से स्ट्रैटेजीज के साथ करते करते मैंने अपने क्लाइंट्स को कुछ होल्डिंग पोजीशंस भी प्रोवाइड करा रखी है। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है जो और अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकते हैं सिर्फ फिबोनाची और ट्रेंड लाइन के बेसिस में और पैटर्न्स। कोई भी इंडिकेटर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें हमें सजेस्ट कर रही है कि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में जा सकते हैं। सो गाइस अब बढ़ते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। एक रीजन तो यही था कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और अगर मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी तो मैं आपके लिए तब भी वीडियो अपलोड नहीं करता अगर मेरे पास टाइम होता। गाइस क्यों नहीं करता आप देख सकते हैं, ये एक रेंज में चला गया था गाइस। निफ्टी 50 एक रेंज में जा चुका था, यानी कि ये जो ट्रेड कर रहा था बहुत एक रेंज नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, और ये जो रेंज थी ये रेंज हमें भी समझ नहीं आ रही थी। मैं इसे थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ तो आपको ध्यान से पता चल जाएगा। जी गाइस अब आप देखिएगा मार्केट ने कंटिन्यूअस अप मूव दी, 50% रिट्रेसमेंट पे इसने क्लोजिंग दी थी। अब देख सकते हैं 10,833 पे ही इसकी क्लोजिंग आई थी। उसके बाद हमने देखा अगले दिन उसके नीचे जाके क्लोजिंग दी, फिर हमने देखा उसके नीचे ही वो ट्रेड करते रहा कंटिन्यूअसली, और आज इसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दिया, यानी कि एक हफ्ते तक वो उस लेवल को रिस्पेक्ट देके उसका रेजिस्टेंस जो था वो हाई रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा था, पर अब उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी थी गाइस। तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी निफ्टी के अंदर अपनी बाइंग पोजीशन बनाने के लिए, और बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने जैसे ही देखा 50% रिट्रेसमेंट का लेवल इसके ऊपर क्लोज हुआ, इसके ऊपर निकला, सो मैंने सबसे पहले मेन फोकस करा बैंक निफ्टी के अंदर कि बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो रही है, और हमने बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स इसके अंदर इनिशिएट करे गाइस। अब जिस लेवल पे इसने क्लोजिंग मिली है वो लेवल कुछ तरीके से हम कह सकते हैं कि अभी भी बाय जोन में नहीं आया। ये जो मेरा लेवल था 10,980 का लेवल, ये मैंने सोच के रखा था मेरा अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट लेवल होगा जहां से मैं अपनी सारी प्रॉफिट टेकिंग्स को एग्जिट कर दूंगा, मतलब निफ्टी को पोजीशन से सारी एग्जिट कर दूंगा, और मैं अपना फ्रेश बाय या फ्रेश शॉर्ट कब इनिशिएट करूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरी थिंकिंग थी मैं सब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि मैं किस तरीके से वर्क करता हूँ। भाई सबसे पहली बात आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा आपको, पर्टिकुलर एक काउंटर ने यहाँ से अप मूव दी, नीचे की तरफ आया, फिर एक अप मूव दी, फिर नीचे की तरफ आया। अब देख सकते हैं कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जब आपके लिए एक वीडियो बनाई थी तब मैंने आपको वीडियो में अप्रोक्सीमेटली बता दिया था, मेरे जब चैनल में जाएंगे तो नीचे स्क्रॉल करते करते सारे वीडियोस के जो फोटोज हैं उन फोटोज को ध्यान से पढ़िएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको क्या क्या एक्सप्लेन करा इस पर। 10,600 शॉर्ट टर्म बॉटम एक वीडियो मैंने अपलोड करी थी जिस दिन ये कैंडल बनी थी, मैंने आपको कहा था ये बॉटम बन चुका है और यहां से आपको सिर्फ बाय 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 करना है जब तक मैं आपको शॉर्ट की पोजीशन से इनिशिएट ना करवाऊं, यानी कि जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो ना बनाऊं आप उसमें तब तक शॉर्ट नहीं जाएंगे, आपको इस पे बाय पोजीशन बनानी है। आपको ध्यान होगा अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते रहते होंगे तो गाइस अगर अभी तक आपने 10,600 से बाय करके रखा होगा तो गाइस आप बहुत अच्छे खासे रिटर्न के अंदर एग्जिट कर रहे होंगे, और गाइस मैं आपको अभी भी चांस दे रहा हूँ आप इस लेवल से भी जब कल मार्केट खोले तो आप कोई भी लेवल से निफ्टी के अंदर एग्जिट पोजिशन बना लीजिए। या मेरा जो एक और कहना है, मैं आप बाय पोजीशन कब इनिशिएट करूंगा सबसे पहले हम वो बात करेंगे। अब देख सकते हैं ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, तो शायद हो सकता है ये वापस अपने 10,600 के लेवल पे जाने की कोशिश कर सकता है, हो सकता है कि ये इस लेवल को ब्रेक कर दे, और इस लेवल से ब्रेक करने के बाद जो इसके प्रीवियस स्विंग हाइस थे जो कि इसका 10,120 का लेवल था, जो लेवल मैंने आपको सजेस्ट करा था एट द टॉप टू एग्जिट एंड टू प्ले शॉर्ट पोजिशन इन निफ्टी 50, सो गाइज वो स्विंग हाई तक भी वो मार्केट जा सकती है। दूसरी अपॉर्चुनिटी में आपको सजेस्ट करता हूं आपको बाय पोजिशन कब इनिशिएट करनी है। 10,950 और हम बात कर रहे हैं जो ये लेवल है गाइज, ये देख सकते हैं जो ये हाई बना है वो एक शॉर्ट हम कह सकते हैं छोटा सा हेड एंड शोल्डर है, पर गाइस ये एक बहुत लॉन्ग टर्म का हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जिसका जो मैं आपको हाई बता देता हूँ प्रीवियस शोल्डर का वो है 10,111,180। सो फ्रॉम माय साइड 10,980 टू 11,180 ये जो 200 पॉइंट का डिफरेंस है मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है, मतलब मुझे फॉर
मुझे जो जैसा लगता है कि अगर 2 दिन तक या 3 दिन तक मैं आपको कोई भी निफ्टी में ट्रेड नहीं दूंगा या फिर मैं मार्केट में थोड़ा बहुत साइडवेज चले जाऊंगा। मैं आपको अभी भी क्लियर बता रहा हूं, पैसा हर दिन लगाना जरूरी नहीं है, पैसा को बचाना और केयरफुली इन्वेस्ट करके पैसा को कमाना जरूरी है। अब देखिएगा ध्यान से, मैं जो आपको चीजें समझा रहा हूं आप बहुत अच्छे खासे ट्रेड में चले जाएंगे और आपको अच्छा खासा फायदा मैं कह सकता हूं कि आप अर्न कर पाएंगे। अब आप देख सकते हैं गाइस, ये लेवल पे जिस पे क्लोजिंग हुई है, अगर 10,990 के ऊपर मार्केट निकल जाती है और मैं आपसे कहता हूं कि 2 या 3 दिन रेड ये ग्रीन कैंडल्स के साथ क्लोजिंग देती है, ध्यान से सुनिएगा, 10,990 के ऊपर निकलती है, 3 दिन तक ग्रीन कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग देती है, और तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि हाँ एक रेंज और बन गई है। वो रेंज क्या है? 11,170 to 10,970, ये 200 पॉइंट की रेंज के अंदर निफ्टी 50 कंसोलिडेट करेगा बहुत टाइम तक। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कुछ टाइम तक इस रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट करेगा। अब बाय चांस अगर लोगों ने, आप लोगों ने बाय पोजीशन नहीं बनाई है तो हेलो, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा गाइस कि आपको किस तरीके से निफ्टी के अंदर एक ट्रेड लेना है। 10,980 पे आपको एग्जिट कर लेना अगर आपने कोई पोजीशंस को बना रखा है। सबसे पहले बात मेरी ध्यान से बात सुनिएगा, अगर आपने कोई प्रीवियस अभी तक निफ्टी या बैंक निफ्टी पे कोई भी होल्डिंग ले रखी है, आपको तुरंत वहां से एग्जिट करना होगा। बाय पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, सेल में भी आपको कोई भी सेल पोजीशन को इनिशिएट नहीं करना, ना आपको पुट बाय करनी है ना आपको कॉल बाय करनी है। कॉल बाय आप निफ्टी में कब करेंगे? जब आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी 3 दिन की कि ये इसके ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो सकता है। सो हम बात करेंगे 11,200 की कॉल की। दूसरी बात, हम पुट बाय कब करेंगे? जब ये 3 दिन तक इसके नीचे क्लोजिंग देता है 10,990 के, तो हम अपनी पुट बाय करेंगे। पुट कौन सी बाय करेंगे? 10,600 की। ठीक है गाइस, अब हमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशन कब बनानी है? जो बहुत रिस्की ट्रेडर्स नहीं है वो कब अपनी फ्रेश पोजीशन बनाएंगे? जब निफ्टी 11,170 या 11,200 के लेवल को क्रॉस करके 3 दिन तक उसके ऊपर ग्रीन कैंडल्स के साथ क्लोजिंग देगा, तो हम कंफर्मेशन देंगे कि वो अपने न्यू हाईज यानी कि 10,700 तक भी चले जाएगा विद अ मैटर ऑफ टाइम। गाइस ये मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ये 11,200 के ऊपर 3 दिन तक ग्रीन कैंडल्स के साथ क्लोजिंग देता है, जो भी अभी तक मैं आपसे कह रहा हूं बिल्कुल परफेक्टली ही कहता हूं, जो जिस तरीके से मैं इनिशिएट करता हूँ, जिस तरीके से मैं अपने क्लाइंट्स में अपने फ्रेंड्स को एक प्रोवाइड कराता हूँ, उसी तरीके से मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो भी मेरे को मिलती है। गाइस हो सकता है कि मैं खुद भी ज़्यादातर इसमें ट्रेड पोजिशन नहीं बना पाता हूँगा, पर जिस तरीके से जो मेरे सामने जो चीज़ें दिखती है मैं आपके साथ वीडियो में बार बार शेयर नहीं कर पाता हूँगा। मैं कुछ एक ऐसा पोर्टल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी मुझे कोई एक ऐसा ब्रेकआउट दिखे या मुझे कुछ ऐसी एक चीज दिखे कि मैं आपके साथ तुरंत शेयर कर पाऊँ और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सारा कुछ सब लोग ध्यान से देख पाए और जो मेरी फैमिली सब्सक्राइबर इतनी बनी हुई है वो सब लोग प्रॉफिटेबल ट्रेड के साथ जाए। और ये एक मैं आपको एजुकेशनल लर्निंग वीडियोस के साथ ही समझाता हूँ, ये आपको मैं बाय वन टू वन चांस में समझाता हूँ कि आपको A to Z समझ आ जाए कि किस तरीके से क्या क्या फॉलो करना है। बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ेंगे तो बैंक निफ्टी में भी आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा गाइस, अभी भी आप देखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर क्या तरीके से काम हुआ है। बैंक निफ्टी अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा ही आउट परफॉर्म कर रहा है और निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग है। किस तरीके से आप देखिएगा, ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, जी गाइस अब देख सकते हैं इसके अंदर भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ गाइस,
देख सकते हैं कि 27,542 पे इसने एग्जैक्ट अपनी क्लोजिंग दी है। ये जो आपको ग्रीन डॉटेड लाइन दिख रही है, आप देखिएगा जो इसका प्रीवियस शोल्डर है वो भी वहीं पर ही एग्जैक्ट, यानी कि थोड़ा सा ऊपर है, हम कह सकते हैं 27,637 के अलावा आसपास है। और गाइस ये एक क्रूशियल लेवल है अब कि हमें यहाँ पर अपनी एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन को नहीं इनिशिएट करना है या फिर हमें शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट नहीं करना है। जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि आपको कब बाय सेल पोजीशन को इनिशिएट करना पड़ता है विद अ मैटर ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, किस तरीके से कि वो गाइस रेजिस्टेंस के ऊपर 3 दिन तक क्लोजिंग देनी चाहिए या सपोर्ट लाइन के नीचे 3 दिन तक क्लोजिंग देनी चाहिए, तो वही आपको सजेस्ट करा जा रहा है। अगर बाय चांस ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को 3 दिन तक क्लोजिंग बेसिस में रोक लेता है, यानी कि जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई है 27,770, जब तक उसके ऊपर जाके 3 दिन तक क्लोजिंग नहीं देता, हम अपनी फ्रेश बाइंग पोजीशन को इनिशिएट नहीं करेंगे। और दूसरी बात, शॉर्ट पोजीशंस को भी मैं अब इसमें इनिशिएट करने की सलाह ज़्यादातर नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। फ्रेश ब्रेकआउट इन द सेंस कि अगर हम बात करें 61% लेवल से ये बहुत तेजी से ऊपर गया विद हाई वॉल्यूम्स के साथ, और जो इसने दो हफ्ते से हम देख रहे थे 250 देख के मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर रहा था, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से क्लोजिंग बेसिस के अंदर क्रॉस करा है। सो मैं आपको अब क्या सजेस्ट करूंगा, बैंक निफ्टी में नो ट्रेडिंग जोन फ्रॉम नाउ। निफ्टी में ट्रेडिंग जोन है, जो जोन बन चुका है 10,980 से लेके 11,180 का। ये दो चीजें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बिल्कुल इस तरीके से ही आपको वर्क करके चलना पड़ेगा तो आप अच्छा खासा पैसा इसके अंदर जरूर कमाएंगे। मेरे को गाइस अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई में भी मुझे कुछ चीजें देखने को मिली हैं। अगर मैं आरएसआई में ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो मुझे लगता है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ी बहुत अप मूव दिखा सकता है, और जो अभी 60.50 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है आरएसआई 67-68 तक जा सकता है। और जब 67-68 तक जाएगा, यानी कि जो बैंक निफ्टी है थोड़ी बहुत और बाउंस मूवमेंट दिखा सकता है, यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी को भी आप बाय करके चल सकते हैं। ओनली फॉर इंट्राडे मैं आपको कह रहा हूँ अभी भी, पर मैं आपको, अगर आप एक सेफ प्ले ट्रेडर है तो मेरी तरीके से, अगर आप मेरे तरीके से चलना चाहते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, नो इंडेक्स ट्रेड। आपको इंडेक्स के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं लेना, बहुत कॉशियसली अब मार्केट को आपको ट्रेड करने के चलना पड़ेगा। जिस तरीके से इसमें हमने रिकवरी देखी, आपको देख सकते हैं रेपको होम ने 100 पॉइंट्स तक की मूवमेंट दिखाई है गाइस, 100 पॉइंट्स की, बिल्कुल ट्रेडिंग अकॉर्डिंगली चल रहा था गाइज। मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, मैं अभी भी शॉक में हूँ कि मैंने आपको इस लेवल पे बाय की पोजीशन दी थी कुछ टाइम पहले और यहाँ से इसने इतने पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई थी गाइज। अभी भी मुझे सजेस्टेड लग रहा है, अभी भी मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये थोड़ी बहुत डिप दे सकता है, 420-415 तक ही जा सकता है, पर दोबारा ये अपने 500 के लेवल पर मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा मैटर ऑफ टाइम फील हो रहा है कि ये गाइज जा सकता है। सो केयरफुली इसके अंदर अपनी पोजीशन को इनिशिएट करके रखिएगा। आपने अगर मेरी ये वीडियो नहीं देखी होगी तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत से ट्रेंड लाइंस के बारे में समझ आ जाएंगी। एक और आपको नोटिस दिया जा रहा है कि गाइस दो ऐसे और स्टॉक्स मुझे मिले हैं जो अब यहाँ से एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करने वाले हैं, और कुछ में ब्रेकआउट आ चुका है, और अब मुझे लगता है कि वो स्टॉक्स मैटर ऑफ टाइम हमें बहुत अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकती है। सो वो वीडियो भी शाम तक अपलोड हो जाएगी। सबसे पहले इस वीडियो को आप देखिएगा, लाइक जरूर करिएगा गाइज। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करिएगा गाइज, और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप हर बंदे की, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज गाइज मुझे हर बंदे की कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए कि मैं जो भी इतना कुछ समझा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, ये जो भी आपको स्टॉक्स के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराई जा रही है, क्या आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से लग रहा है कि जो मैं आपको स्टडीज करवा रहा हूँ, बेटर यूट्यूबर्स जो हैं और जो आपने कहीं और से सीखा हो उनके अकॉर्डिंग मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। सो गाइस मुझे हर बंदे के कमेंट्स इस कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर चाहिए। सो गाइस वीडियो वाइंड अप हो रही है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके जरूर अपने बारे में लिखिए कि आपको मेरे बारे में क्या लगता है कि मैं किस तरीके से वर्क कर रहा हूँ, और गाइज वो वीडियो भी शाम तक अपलोड हो जाएगी। सो गाइज मैं तो आपसे कल नहीं अगली वीडियो के साथ साइनिंग।